नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मतगणना काफ़ी तेजी से चल रही है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। आइए मैं आपको 8 विधानसभा के ताज़ा हालात का अभी तक का हिसाब किताब बता दूं। देवतालाब में कांग्रेस को 7266 वोट मिले हैं, यहां पर बीजेपी को 10172 वोट मिले हैं, वहीं बीएसपी को 10170 वोट मिले हैं। कहा जा सकता है यहाँ पर बीजेपी 2 वोटों से आगे चल रही है। काफ़ी नज़दीकी मुकाबला यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है, कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी आगे हो जाती है। वर्तमान समय में चौथे राउंड की काउंटिंग में यहाँ पर बीजेपी 2 वोट से आगे है। बात की जाए मनगवा की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 11651 वोट मिले हैं, भाजपा को बीजेपी को 16821 वोट मिले हैं। बीएसपी यहाँ पर काफ़ी कम वोट पा चुकी है, चौथे राउंड तक अभी उसने महज 2243 वोट पाए हैं। वोटों के काउंटिंग के जीत हार के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 16881 11651 कहा जा सकता है 5000 वोट के आसपास यहाँ पर मनगवा में बीजेपी आगे है। रीवा की बात की जाए तो रीवा में इस समय दूसरे राउंड की काउंटिंग के परिणाम अभी तक बाहर आए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा कांग्रेस से हैं। वोटों के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को अभी तक 5386 वोट मिले हैं, राजेंद्र शुक्ला को 8032 वोट मिले हैं, बीएसपी को यहाँ पर 1796 वोट मिले हैं। कहा जा सकता है यहाँ पर लगभग 3500 वोट से बीजेपी आगे है। मऊगंज की बात की जाए तो मऊगंज में कांग्रेस को 4558 वोट मिले हैं, यहाँ से कांग्रेस की से विद्यावती पटेल चुनाव लड़ रही हैं। मऊगंज में बीजेपी को 6353 वोट मिले हैं, गिरीश गौतम यहाँ पर से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। यहाँ पर एक चौंकाने वाला परिणाम नज़र आ रहा है बीएसपी से। बीएसपी यहाँ पर 2243 वोट पाकर सीमा जयवीर सिंह इस समय यहाँ पर से काफ़ी आगे चल रही हैं। अगर बात की जाए त्योंथर की, तो त्योंथर में कांग्रेस के रमा शंकर को 12981 वोट मिले हैं, वहीं श्यामलाल बीजेपी 12679, सीमा मांझी यहां पर बीएसपी की उम्मीदवार थी, उनको काफ़ी कम वोट मिले हैं 3395। यहां पर कांग्रेस के रमा शंकर लगभग 3300 वोट से आगे चल रहे हैं। बात की जाए गुड़ विधानसभा की, तो गुड़ विधानसभा में कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी हैं, बीजेपी से नागेंद्र सिंह जी हैं, पिछले बार के सारे उम्मीदवार इस बार भी हैं, सपा से कुंवर कपिध्वज सिंह। वोटों के हिसाब से यहां पर कांग्रेस को 8511 वोट मिले हैं, कांग्रेस तीसरे राउंड तक आगे थी, चौथे राउंड में कांग्रेस 1000 वोट से लगभग पीछे हो गई है। यहां बीजेपी 9568 वोट लेकर पहले नंबर पर है। यहां पर बीएसपी को 4685 वोट मिले हैं, वहीं सपा जो इस क्षेत्र में पहली बार अपनी दस्तक दे रही 5996 वोट से तीसरे नंबर पर है। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर में कांग्रेस 2695 वोट पा चुकी है, यहाँ पर बीजेपी 4080 वोट, बीएसपी 2906, सिमरिया कांग्रेस 4569, बीजेपी 5300, बीएसपी 4510। इस तरीके से कहा जा सकता है यहाँ पर काफी नजदीकी मुकाबला देखने में आ रहा है। दोपहर को 1 बज चुके हैं। ताजा हालात के लिए हम बहुत शीघ्र आपके पास लौटेंगे, तब तक के लिए रीवा दर्शन देखते रहिए। नमस्कार।